आज हम बात करेंगे पेड़ों के बारे में कि पेड़ कैसे जो है प्रदूषण को कम करते हैं। हमारे शहरों में जितनी गाड़ियां चल रही है, जितना प्रदूषण हो रहा है, तो शहर में पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो प्रदूषण को कम कर सके। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डीपली, थोड़ा सा अंदर से, थोड़ा डिटेल में कि पौधे कैसे जो है प्रदूषण को कम करते हैं। अब पौधा एक लगा दिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पौधा लगाओ, बहुत सारा पेड़ लगाओ, पेड़ बड़े होंगे तो प्रदूषण कम होगा। तो कैसे होगा, इसका बायोलॉजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा सा जानते हैं। ये एक पौधा है हमारे पास, ये पौधे की पत्तियां हैं, ये हरा हरा है। तो सभी को पता है कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये होता है। तो धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से पत्तों का रंग जो हरा है, इसमें एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इसके अंदर पौधे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जब लेते हैं सनलाइट और ऑक्सीजन की मदद से और कुछ केमिकल्स की मदद से, वो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये पत्ता है, इसके नीचे जो है छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिसको कि हिंदी में रंध्र बोलते हैं और बायोलॉजिकल वर्ड में इसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का काम है जैसे हमारा नाक होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी तरह से स्टोमेटा काम करता है। ये बीन की शेप में होते हैं, किडनी की तरह, तो ये खुलता है और बंद होता है। तो जब इनको सांस लेना होता है स्टोमेटा खुलता है, और जब इनको सांस छोड़ना होता है तो स्टोमेटा फिर दोबारा खुलता है। तो जब ये सांस लेते हैं, तो जब ये हवा खींचते हैं, तो ये बिल्कुल हमारी तरह होता है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, हम पूरा हवा लेते हैं। जब हमारे फेफड़े में हवा जाता है तो फेफड़े जो है ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं और बाकी गैस जो है फेफड़े में रहता है। फिर जब ऑक्सीजन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो हमारे ब्लड में जाता है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हम दोबारा जब सांस छोड़ते हैं तो जो बची हुई गैसें हैं वो भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। उसी तरह से ये पौधे भी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ सारी हवा को लेते हैं, उस हवा में और बहुत सारे गैसेस होते हैं, उन सबको ये लेता है। उसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, उसके बाद जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो बाकी गैस जो है वो भी निकल जाते हैं। कुछ गैस जो है इसके अंदर वाटर वेपर होता है, हवा होता है और साथ में भाप होता है, उसमें बहुत सारे गैसेस जो है भाप में मिल जाता है। भाप में मिलने के साथ ये पत्तों के थ्रू इनके तने में होता हुआ, तने से होता हुआ, जाइलम और फ्लोएम के तरह होता हुआ, ये इनकी जड़ों में पहुंचता है। अब जड़ में इसके बाद भी बहुत सारे जड़ होते हैं जो फाइब्रस रूट्स जिसको बोलते हैं, जो बाल के जैसे या धागे के जैसे संरचना में होते हैं, तो वो जमीन के अंदर गड़ा होता है। तो जब ऑक्सीजन के साथ और बाकी गैसों के साथ और बाकी केमिकल कंपाउंड्स के साथ और भाप के साथ जब वो सारी चीज़ें आके जड़ के नीचे आती है, जमीन के नीचे आता है, ये जमीन है इसके नीचे आता है, जड़ पे आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जमीन में एक टेम्परेचर होता है, साथ में एक प्रेशर होता है, और साथ में बैक्टीरिया काम करते हैं और फंगस का पूरा नेटवर्क काम करता है। तो जैसे कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को ऑक्सीजन में बदला, मगर बचा हुआ जो कार्बन है वो तने से होता हुआ जड़ में आता है और फिर वो जमीन के अंदर जाता है। जमीन के अंदर जाते ही यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर और माइसिलियम नेटवर्क और फंगस की नेटवर्क और बैक्टीरिया की नेटवर्क की वजह से कार्बन जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, वो कार्बन सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो ये कार्बन एलिमेंट बनाता है, तो कार्बन जमीन के अंदर स्टोर हो जाता है और आने वाले समय में धीरे धीरे वो और प्रेशर की और दबाव की वजह से वो नीचे चला जाता है, जो कि बाद में कोयला और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बनाता है। तो इस तरह से पौधे जो है पॉल्यूशन को कम करते हैं, ये हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन गैस, फॉर्मलडिहाइड और अदर टॉक्सिन्स को भी लेता है और जमीन में स्टोर करता है। इस तरह से हवा को शुद्ध करता है और सारे केमिकल जो है वो जड़ के अंदर और जमीन के अंदर स्टोर करता है। तो ये थी पौधों की संरचना, जिस तरह से पॉल्यूशन को कम करते हैं।